बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। भारतीय किसानों का जीवन बहुत ही कठिनपूर्ण होता है। वो खेतों में लगातार मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से धरती को सींचकर उसे हरा भरा बनाते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसानों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं अनुदान। बीज एवं मिट्टी जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व करें बीजों उपचार। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई के लिए मिनी पावर वेडर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य के कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का बर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग की, और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों की लगने की संभावना रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान या व्यवस्टिन इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। लत्तेदार सब्जियों में कद्दू, करेला, झींगी इत्यादि प्रमुख है। जो किसान भाई कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं, वो अच्छी उपज प्राप्ति के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत नामक कद्दू के उन्नत प्रभेदों की बुवाई करें। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है कद्दू की पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में। कद्दू की ये किस्में विशेषकर गर्मा फसल के समय लगाया जाता है। पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी किस्में रोगरोधी होने के साथ ही अच्छी फलन क्षमता वाली होती है। इसके फल लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। टमाटर और बैगन जैसी सब्जियों में अगेती झुलसा रोग लगते हैं। इस रोग की अवस्था में पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियां सूख जाती है। अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए और डाइथेम एम नामक दवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोलकर बनाकर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत बगीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए यह बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर वीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और 1 हैंडल होता है, जिसे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है और नए रूप में हमारे सामने है। इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना।
और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है छोटे से विराम का, विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। एना लीधे मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूरत पड़ती नथी, अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी शकुं छुं। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है, गेहूं में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन। बहुत हमारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें पता नहीं होता कि गेहूं में सिंचाई का सही समय कब है, इसीलिए फसलों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है और गेहूं की फसलों में उर्वरक का भी काफ़ी महत्व रखता है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। गेहूं की फसल में सिंचाई एक प्रमुख कारक है जिसके कारण पैदावार पर असर पड़ता है। पैदावार कम होने की एक वजह सिंचाई का समय पर या गलत ढंग से करना हो सकता है। गेहूं की फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई देने की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई 30 से 35 दिनों के बाद दें, दूसरी सिंचाई फूल निकलने के बाद देनी चाहिए, यानी 40 से 45 दिनों के बाद देना चाहिए। दूसरी सिंचाई फूल से दाना बनने के समय ज़रूरी होता है। तीसरी सिंचाई गेहूं में पूरी तरह से बाली यानी कल्ले निकलने के बाद जिस समय दाना बन रहा है, इस समय पानी देने से दाने बड़े तथा वजनी होते हैं। दूसरी तथा तीसरी पानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रबी फसल की बात करते हैं तो गेहूं एक प्रमुख फसल है। इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गेहूं फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से की जाए। अभी जो गेहूं का फसल खड़ा है सब जगह, उसमें आपको क्या करना है,
और कैसे उसमें उर्वरक देना है, कैसे निराई गुड़ाई करनी है, इसके विषय में सबसे पहला चीज़ तो है कि अगर गेहूं की फसल में सिंचाई देना है तो 21 दिन से 25 दिन के बीच में जो क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, जड़ जमने की अवस्था होती है, वो बहुत ही अति आवश्यक स्टेज है, अवस्था है जिस पर सिंचाई होनी चाहिए, यानी कि बुआई के 21 से 25 दिन पर। उसी समय जड़ जमता है, देखते होंगे उसी समय जड़ जमने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद रंग के कल्ले निकलते हैं और जिससे पौधे की संख्या बढ़ती है, वो 21 दिन के बाद होता है। तो अगर 21 दिन से 25 दिन के बीच में नमी नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से उपज आधी हो जाती है, प्रभावित होना तो छोड़ दीजिए, आधी हो जाती है। इसलिए सिंचाई जो है, पहला सिंचाई किसान भाई को 21 से बुआई के 21 से 25 दिन के बीच में निश्चित रूप से करना चाहिए, और उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें। लगभग आपको 6 सिंचाई पड़ेगा और अंतिम सिंचाई जब पछे हवा चलने लगता है उस समय अंतिम सिंचाई आपको ध्यान रखना है कि जो 20 से 25 दिन के अंतराल पर नहीं, आपको 15 दिन के अंतराल पर भी ही अंतिम सिंचाई करना होगा, क्योंकि पछे हवा में वो बाली सूखने लगता है और मिट्टी जो है तड़कने लगता है, फटने लगता है। तो अंतिम सिंचाई केवल 15 दिन के अंतराल पर करना है, बाकी 20 से 25 दिन के अंतराल पर आप करते रहें तो निश्चित रूप से सभी जो अवस्थाएँ हैं वो कवर कर लेता है और अच्छा उपज प्राप्त होता है। लेकिन पहला जो सिंचाई है निश्चित रूप से बुआई के 21 से 25 दिन पर देना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लें, यह बिल्कुल फ्री है। परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए 3 साल के अंतराल पर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग बुआई से पहले करना चाहिए। गेहूं में सबसे अपने झारखंड की मिट्टी को देखें तो नेत्रजन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश लगभग सभी मिट्टियों में यहाँ कम है। उसके अलावा जिंक की कमी जो है 5% खेतों में है, तो जिंक का बहुत ज़्यादा महत्व इसमें नहीं होता है, धान में होता है। और बोरन सल्फर की कमी अपने यहाँ लगभग 50% खेतों में है, तो उसकी भी दलहन तेलहन में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसकी आवश्यकता जो है गेहूं में ज़्यादा है और वही किसान भाई देते भी हैं। तो कितना मात्रा देना है, कब देना है, मैं डिसमिल के हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि खेत छोटे छोटे होते हैं किसान भाई आपके, तो आपको गन्ना करने में, कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो प्रति डिसमिल के हिसाब से बुआई के समय जो खाद दिया जाता है, बुआई तो हो चुका है फिर भी आप जानकारी रख लीजिए, बुआई के समय में जो खाद दिया जाता है लगभग 1 डिसमिल में 0.5 किलो DAP और 1 पाव पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद जो लाल खाद होता है दानेदार, वो 1 पाव आपको देना है। 1 डिसमिल में 0.5 किलो DAP देना है और 400 ग्राम आपको, अगर समय से बुआई करते हैं तो 400 ग्राम और देर से बुआई करते हैं, अगर दिसंबर के अंत में अगर बुआई करते हैं, तो 1 पाव यूरिया खाद आपको प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको देना है। और ऊपर से पुनः पहला सिंचाई जो 21 से 25 दिन पर होता है उस समय आपको पुनः 300 ग्राम यूरिया, और दूसरे सिंचाई पर जो 45 से 50 दिन की अवस्था में होता है उस समय पुनः 1 पाव यूरिया आपको देना है। लेकिन अब यूरिया से बेहतर खाद आ गया है नैनो यूरिया, आपको अब ऊपर से नैनो यूरिया देना है, यूरिया नहीं देना है, यूरिया केवल बेसल दीजिए, नीचे दीजिए और ऊपर से आप नैनो यूरिया दीजिए। मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखकर अच्छी उत्पादकता के साथ फसल लेने के लिए कार्बनिक खादों के साथ संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग बेहतर माना जाता है। नैनो यूरिया 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। और इसमें एक और फायदा होता है कि यूरिया हम सिंचाई के साथ देते हैं, लेकिन नैनो यूरिया आप सिंचाई के पहले या सिंचाई के बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छिड़काव होता है ऊपर पत्तों पर। यूरिया तो केवल सिंचाई के साथ इसलिए देते हैं कि नमी बना रहे और नमी के साथ हो, यूरिया मिट्टी में चला जाए और पौधे को मिल जाए, तो यह सुविधा एक नैनो यूरिया में है। तो नैनो यूरिया को आपको छिड़काव करना है, वही आपको 21 से 25 दिन के अंतराल पर बुआई के बाद कीजिए और पुनः आपको 45 से 50 दिन की अवस्था में आपको छिड़काव करना है। कभी भी गेहूं में किसान भाई, जैसे अन्य फसल में जैसे धान में होता क्या है कि बाद में भी खाद देते हैं, फूटने लगता है उस समय भी खाद देते हैं, उसी तरह से किसान भाई कभी कभी गेहूं में भी जब बाली निकलता है उस समय खाद दे देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गेहूं में 55 दिन के बाद अगर खाद देते हैं तो उससे घाटा होता है, फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि 55 दिन में ही
बाली उसके गर्भ में बन जाता है, उसके अंदर बाली बन जाता है, और बाली बनने का मतलब है कि उसी समय निश्चित हो जाता है कि इसमें दाने कितने बनेंगे, और किसी भी वैरायटी का गुण होता है कि उसके दाने का वजन कितना होगा। दाने का वजन खाद दे के हम बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ता क्या है कि नए नए कल्ले निकलते हैं, नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, और बाद में पछिया हवा चलता है उस समय सूख जाता है, या छोटा सा बाली लगेगा वो भी सिकुड़ जाता है और उसमें वजन नहीं मिलता है। इसलिए जो मातृ पौधा है, जो जिससे हमको बाली जिसमें लगता है, जिससे वजन लेना है, जिससे उत्पादन लेना है, उसका वजन घट जाता है और जो बाद में बनता है उसमें कुछ मिलता नहीं है, तो जहाँ फायदा होना चाहिए वहाँ घाटा हो जाता है। इसलिए कभी भी यूरिया या अन्य कोई भी खाद अगर देते हैं तो गेहूं में आपको 55 दिन के पहले पहले दे देना है, बाद में नहीं देना, इसका सावधानी आपको बरतना है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा कि गेहूं की फसलों में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है गर्मा सब्जियों की खेती एवं प्रभेद का चुनाव कैसे करें। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम आप पहुँचे हैं रांची स्थित ICR प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के प्रधान डॉक्टर AK सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गर्मा सब्जियों की खेती व प्रभेद का चुनाव किस तरीके से की जाए। फरवरी का महीना चल रहा है और किसान भाइयों को गर्मा सब्जियों के चुनाव की जब बात आती है तो सबसे बड़ा इसमें परिवार गर्मा सब्जियों का तो कद्दू वर्गीय सब्जियों का ही आता है, जिसमें हमारे लौकी, खीरा, कोहड़ा, कद्दू, झिंगी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, इनका एक बहुत बड़ा एक परिवार है। इसके अलावा किसान भाई जो हमारे सोलनेसी परिवार की सब्जियां हैं, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, इनकी भी रोपाई फरवरी के महीने में करते हैं, और साथ साथ गर्मा भिंडी की बात भी करते हैं, तो वो भी कहने का मतलब फरवरी के महीने में एक सब्जियों के बहुत बड़े समूह के बुआई का समय आता है। इसलिए किसान भाइयों को अब अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि उनका गर्मा सब्जियों का उत्पादन भी अच्छा मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं गर्मा सब्जियों के प्रभेद के बारे में चर्चा करूंगा किसान भाइयों से, क्योंकि अगर उन्नत किस्म का बीज किसान भाइयों को मिल जाता है तो आधी समस्या उनकी अपने आप ख़त्म हो जाती है। हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची की अगर हम बात करें, जहाँ हम लोग आज खड़े हैं, तो हम लोगों ने भी सब्जियों की करीब 52 किस्मों का विकास यहाँ से किया है, जिनमें गर्मा सब्जियाँ जिनका नाम अभी हम ले रहे थे वो भी आती हैं। अगर हम सबसे पहले कद्दू की बात करें या कोहड़ा जिसे हम बोलते हैं, तो स्वर्ण अमृत एक ऐसी किस्म है जो कि हमारे झारखंड के जलवायु के लिए बड़ी अच्छी पाई गई है। इसका फल भी 1.5 से 2 किलोग्राम का ही होता है और उपज भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अगर हम नेनुआ की बात करें तो स्वर्ण प्रभा एक बहुत उन्नतशील किस्म है, हल्का सफ़ेद रंग का, बहुत हरा, गाढ़ा हरा फल इसका नहीं होता है, क्रीम कलर का हल्का हरे रंग का फल होता है और उपज भी बहुत अच्छी है। झिंगी में स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार बड़ी उन्नतशील दोनों किस्में हैं। इसके अलावा करेले की बात करें तो अर्का हरित एक बहुत ही अच्छी जो उन्नत किस्म है, जिसका कि बीज भी हम लोग काफ़ी समय से बना भी रहे हैं, उसका भी बीज यहाँ पे हम उपलब्ध है। टमाटर, बैंगन, मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर में स्वर्ण नवीन, स्वर्ण लालिमा, अगर संकर किस्मों की बात करें स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण वैभव, ये उन्नतशील किस्में टमाटर की हैं। बैंगन में भी स्वर्ण नीलिमा संकर किस्म है, स्वर्ण नीलिमा के अलावा स्वर्ण शक्ति एक भी हमारा संकर है जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देना है। दूसरी तरफ स्वर्ण मणि एक बहुत ही पुरानी हमारी किस्म है जो कि जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी भी है, तो उसकी खेती भी क्या किसान भाई कर सकते हैं। ओबलांग या लंबे बैंगनी रंग के बैंगन में स्वर्ण प्रतिभा एक बहुत अच्छी किस्म है। तो इस तरह से टमाटर और बैंगन में हमारे सामान्य और संकर दोनों किस्मों हम लोग बना रहे हैं और किसान भाई इनका बीज भी यहाँ से ले सकते हैं। मिर्च की भी अगर शिमला मिर्च की बात करें, स्वर्ण प्रफुल्ला एक बहुत ही अच्छी उन्नत किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है, और हरे में तो इसके फल को खाते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो पीला जो कलर्ड कैप्सिकम की बात हम लोग करते हैं, रंगीन शिमला मिर्च पीले रंग का इसका फल होता है, तो इसको हम रंगीन के रूप में भी खा सकते हैं। तो तरबूज की बात करते हैं तो अर्का अनामिका बड़ी उन्नत किस्म है, इसका बीज भी उपलब्ध है और आजकल दूसरे भी निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीज भी बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी उनके उत्पादन क्षमता है। तो किसान भाई उन्नत प्रभेद का चुनाव जरूर करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने पहले 1 से 2 जुताई बढ़िया करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, जैसे आजकल ऑर्गेनिक जैविक कृषि की बात बड़े पैमाने पर हो रही है, कीटनाशक और रासायनिक
उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करने की चर्चा चारों तरफ हो रही है, तो जो हमारा जैविक कृषि की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमको सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। केचुआ की खाद भी आजकल उपलब्ध है, उसका भी व्यवहार कर सकते हैं। तो सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ अगर हम मुख्य पोषक तत्व की बात करें, जो नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश हैं, इनकी नत्रजन की मात्रा तो करीब एक तिहाई हम प्रारंभ में देते हैं खेत की तैयारी के समय, और शेष को दो तीन भागों में खड़ी फसल में थाली के चारों तरफ देते हैं। अब रोपाई की बात अगर करते हैं, तो आजकल उठी हुई क्यारियों पर रोपाई का प्रचलन है। 1 मीटर चौड़ी और लंबाई अपनी व्यवस्था के जितना जगह उपलब्ध हो, लंबाई कुछ भी रख सकते हैं, 1 मीटर चौड़ी और करीब 1 फीट ऊंची उठी हुई क्यारियों पे हम लोग आजकल रोपाई या बुआई के लिए संस्तुति कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि उठी हुई क्यारियों पे जब हम रोपाई बुआई की संस्तुति करते हैं, तो उसमें हम प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के मल्च के प्रयोग से हमारा जो खरपतवारों का नियंत्रण स्वतः हो जाता है, साथ साथ टपकन सिंचाई विधि की भी व्यवस्था उसमें हम शुरू में ही रख देते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी का काफ़ी अभाव रहता है। हमारे पर झारखंड प्रदेश में भी 10 से 12% क्षेत्रफल ही सिंचित हैं, तो टपकन सिंचाई विधि एक ऐसा वरदान है जिससे कि हमको कम से कम न्यूनतम पानी में हमारे फसल को जल उपलब्ध हो जाता है। और हमने देखा भी है कि करीब 70 से 75% हम जल का बचत भी कर सकते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में काफ़ी समस्या रहती है। तो टपकन सिंचाई विधि का किसान भाई प्रयोग करेंगे और इस तरह से बुआई करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। सर, आपने बताया कि गर्मा अगर सब्जियों की हम खेती की बात करते हैं, तो प्रभेद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर सही प्रभेद का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे अधिक लाभ मिलता है। सर, आपने सिंचाई की बात कही कि अगर हम ड्रिप से करते हैं तो पानी की बचत भी होता है, पूंजी का बचत भी होता है, किसान को फायदा मिलता है। बिल्कुल। तो कितने दिनों में सिंचाई करना है? देखिए, गर्मा मौसम में सिंचाई का अंतराल अभी से फरवरी के महीने में तो उतना जल्दी नहीं पड़ता तापक्रम, लेकिन जब बढ़ जाएगा अप्रैल मई के महीने में, 1 हफ्ते के अंतराल पे कम से कम हम लोग सिंचाई के लिए संस्तुति करते हैं। और वैसे तो सिंचाई ऐसी प्रक्रिया है, जब भी पौधों को नमी की प्रभाव कम रहे उस समय ड्रिप को चलाना पड़ता है, और आवश्यकता अनुसार 4 से 5 दिन के अंतराल पे, बहुत गर्मी पड़ रही तो 2 से 3 दिन के अंतराल पर भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो ड्रिप के चलाने का समय तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। ये तो सिंचाई की बात आपने बताई। गर्मा सब्जियों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे बीमारी भी प्रमुख है। बीमारी से भी काफ़ी किसानों को नुकसान होता है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से रोग होते हैं, उसका निवारण किस तरीके से? देखिए, अगर हम सोलानेसी परिवार की सब्जियों की बात करते हैं, टमाटर बैंगन में जीवाणु मुरझा रोग यहाँ काफ़ी आता है। उसके लिए मैंने कहा कि हमारे झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, कृषि योग्य चूने का प्रयोग किसान भाई करें। फलवेधक कीट भी लतर वाली सब्जियों में बहुत आता है, उसके लिए हम लोग फेरोमोन ट्रैप की संस्तुति करते हैं। फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है, नर कीट स्वतः फंस जाता है और हमको रासायनिक कीट नियंत्रण से बचाव होता है। साथ साथ चूसने वाले जो हमारे कीट हैं, एफिड हैं, दूसरे भी जो कीट हैं, उनके रोकथाम के लिए हम लोग स्टिकर का प्रयोग अभी कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम हमको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़े और हमारी फसल भी सुरक्षित रहे। तो किसान भाई, आपने देखा गर्मा सब्जियों की आप खेती कर रहे हैं, तो सबसे प्रमुख प्रभेद का चुनाव है। आप सही प्रभेद का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और आपको इसका फायदा नजर आएगा। और जैसा कि सर ने बताया, निश्चित तौर पर उन चीज़ों का अपने खेतों में उपयोग करते हैं तो अधिक से अधिक आपको फायदा होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ, नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ काफ़ी लाभान्वित होगी आपके लिए। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो आप भीड़ में जाने से बचें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को कभी ना भूलें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर दोनों टीके को ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान
किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन कृषि 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 दर्शन।